वेलकम टू माई क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है जहां पहिया है। और जहां पहिया है, इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। लेखक पी साईनाथ द्वारा लिखा गया यह एक कृपोतार्ज है, जिसके द्वारा लेखक ने महिलाओं के सशक्तिकरण का और उनके क्रांतिकारी बदलाव का एक सजीव वर्णन किया है। जब लेखक वहां की बातचीत पत्रकार के रूप में गए थे, तब उनके बातचीत एक महिला फातिमा से हुई थी। वह कहती है कि यह आंदोलन एक सशक्तिकरण का और हमारे अधिकार का है, तथा हमें यह साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है। उससे क्या हो गया है, हमारे समय की बचत हो गई है। कि देखो, पहले जो गांव में अगर किसी स्थान पर जाना होता है तो उनको बस से जाना पड़ता था, लेकिन बस की सुविधाएं कम रहती थी। एक बस जाने के बाद बहुत घंटों के बाद दूसरी बस आ जाती थी, तो इसके लिए क्या हो जाता था, बस के इंतजार करने में बहुत अधिक समय चला जाता था, तथा बस के खर्चे भी तो रहते थे। तो इस प्रकार साइकिल चलाने से कौन कौन से फायदे स्त्रियों को, महिलाओं को होने लगे, इसका वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहे हैं कि एक तो उनका समय और उनका पैसा बचने लगा, उनके खर्च भी बचने लगे। और तथा फातिमा कहती कि जब हमने साइकिल चलाना आरंभ किया तो यह सामाजिक बदल था ना, इसलिए क्या हुआ, लोगों ने बहुत फप्तियां निकाली, अर्थात उन पर व्यंग किए तथा उनको ताने भी दिए। अब देखिए, जब कभी इस प्रकार का सामाजिक बदल आता है तो समाज ने कभी उसका स्वागत अच्छे से नहीं किया, बल्कि ही बाद में जाकर उन्होंने यह मान्य भी किया कि पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्रियों को मान सम्मान होना ही चाहिए, लेकिन शुरुआत में हमेशा उसका विरोध किया है। जैसे कि शुरुआत में जब स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, इन्होंने जब यह स्त्रियों को, महिलाओं को, बच्चों को पढ़ाने का कदम आगे बढ़ाया, तो उनका स्वागत समाज ने अच्छे से किया नहीं, उनको भी तो ताने दिए थे, उनको भी तो व्यंग किए थे। क्यों? क्योंकि समाज में अगर स्त्रियां पढ़ने बैठेगी, पढ़ना शुरू कर देंगे, तो पुरुषों पर उनका अधिकार हो जाएगा, इस तरह की उनकी सोच रहती थी। इसलिए लोगों ने क्या किया, उनको बहुत तकलीफें दी, लेकिन उन्होंने अपने कार्य निरंतर चालू रखे। और इसीलिए तो आज हम देखते हैं कि अगर उस समय उन्होंने वह जो उनकी आपत्ति संकटों का सामना नहीं किया होता, तो आज महिला जिस क्षेत्र में कार्यरत है, वह प्रगति हमारे न देश की होती, न महिलाओं की होती। तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर भी एक सामाजिक परिवर्तन जब कर रही थी, स्त्रियों ने आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए कदम बढ़ाए थे, तो समाज में हमेशा उनका व्यंग किया। फिर भी फातिमा कहती कि हमने उनकी परवाह नहीं की, हम अपने उद्देश्य पर अड़े रहे और हम आगे साइकिल चलाना, साइकिल सिखाना और साइकिल सीखना, यह हमारा कार्य निरंतर चालू रहा। क्यों? क्योंकि हमें उससे पता चला कि इसके द्वारा भले ही लोग हमें कुछ भी ताने दे, व्यंग दे, लेकिन हमारा फायदा हो रहा है। किसमें? एक तो हमारा समय बचत हो रहा है, कि जो इंतजार हमें बस के लिए करना पड़ता था या पुरुषों पर डिपेंड रहना पड़ता था कि पुरुष आकर हमें यहाँ पर छोड़ दे, वहां पर छोड़ दे। अब देखो, ग्रामीण भाग था, घर रास्तों से बहुत दूर था, घने जंगल रहते थे, बहुत सारे कठिनाइयां, समस्याएं औरतों को आती थी अगर जब वो घर से बाहर किसी काम के लिए निकलते थे। ऐसे समय में अगर साइकिल का उनको उपयोग होता है, तो वह व्यंग, ताने, लोगों के द्वारा सारी चीजों को सहने के लिए वह तैयार थी। फातिमा एक माध्यम स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि वह हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। अब देखिए, उनकी वह माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती जरूर है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वह साइकिल खरीद सके, लेकिन उनकी इंटरेस्ट के लिए, उनकी इच्छा के लिए वह क्या करती है, एक साइकिल किराए पर लेती है और
हर शाम जब उसे वक्त मिलता है आधे घंटे के लिए वह साइकिल चलाने के लिए जाती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है। अब देखिए उस समय की औरतें क्या महसूस करें कि जब अब तक वह सिर्फ रीति रिवाज परंपराओं से जकड़े हुए हैं, बहुत सारे बंधनों से जकड़े हुए हैं, लेकिन अब उनको मौका मिला है अपनी इच्छाओं को स्वतंत्रता से अनुभव करने का, अपने आकांक्षाओं को आजादी से अनुभव करने का। तो इस प्रकार लेखक कह रहे कि उसके फातिमा के द्वारा कि साइकिल चलाने में जो एक खास आजादी का एहसास होता है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। कि अब तक देखो हम हर चीज के लिए पुरुषों पर निर्भर रहते थे, हर चीज के लिए पुरुषों पर हम डिपेंड रहते थे। अगर हमें बाहर जाना है तो घर का कोई पुरुष सदस्य हमें छोड़ने के लिए जाएगा, हमारे जो काम है हम वहां पर जाकर नहीं कर सकते हैं, जब वो पुरुष आएंगे तब वो करेंगे। हर चीज पर हमें पुरुषों पर डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन अब जब से हमने साइकिल चलाना सीखा है तब से हमें किसी पर निर्भर, किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। अभी उसने क्या तय किया है कि अब साइकिल चलाना यह कार्य वह कभी नहीं छोड़ने वाली। सिर्फ उस गांव की फातिमा ही नहीं बल्कि जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतों को साइकिल चलाना सिखाया है। अब देखिए कोई भी जब अच्छा कार्य होता है तो पहले हम खुद सीखते हैं, फिर दूसरों को भी सिखाते हैं और अच्छे कार्य के इसमें सहभागी कर लेते हैं। जैसे कि सावित्रीबाई फुले, इनको उनके पति ने पहले सावित्रीबाई को सिखाया पढ़ना लिखना, फिर उन्होंने घर से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने समाज के स्त्रियों को, महिलाओं को, बच्चों को पढ़ाना शुरुआत किया। उसी प्रकार फातिमा जैसे बहुत सारी युवतियां थी जो लगभग 20 वर्ष के थे, उन्होंने क्या किया, पहले खुद साइकिल चलाना सिखाया, खुद सीखा और उसके बाद धीरे धीरे गांव के अन्य महिलाओं को भी साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है, इसकी प्रशंसकों में महिला खेतियार। अब देखिए जबकि यह वह पिछड़ा हुआ गांव है जहां पर विकास के नाम पर कोई भी सुख सुविधाएं स्त्रियों के लिए नहीं रहती थी, अब उस गांव में क्या हो गया है, नव युवतियों ने सामाजिक आंदोलन कर दिया था साइकिल चलाने के माध्यम से, और इस प्रकार इस छोटे से गरीब पिछड़े हुए जिले में साइकिल चलाने की धूम मची हुई थी। इसकी प्रशंसकों में महिला खेतियार। अब देखे जो पुरुष प्रधान संस्कृति, पुरुष वर्ग क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, वह उनके प्रशंसक रहेंगे, स्तुति करेंगे नहीं, तो इन साइकिल चलाने के जो सामाजिक परिवर्तन का स्तुति कौन करेंगे, महिला वर्ग ही करेंगे। अब सिर्फ पढ़े लिखे महिला ही नहीं बल्कि देखो कौन कौन यहाँ पर लेखक वर्णन करे कि इसकी प्रशंसकों में महिला खेतिहार मजदूर, कि खेतों में मजदूरी करने वाले जो महिला वर्ग थे वह, फिर पत्थर खदानों में मजदूर करने वाली औरतें, कि पत्थर का काम करने वाले, पत्थर को काटने वाले, जो काम करने वाले, जो मजदूरी करने वाले जो औरतें होती थी वह भी इस प्रशंसक के इसमें हिस्सा रही थी, बल्कि खुद भी साइकिल चलाना सीख रही थी। गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी हुई औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही थी। मतलब देखो गांव के हर क्षेत्र में, चाहे वह गरीब से गरीब हो या अच्छे सर्वसामान्य परिवार के सदस्य हो या फिर अच्छा आमदनी, या श्री बोलते ना हम कि उनका परिवार अमीर है, ऐसे घर के जो सदस्य महिला थी वह भी साइकिल चलाना सीख रही थी, और साइकिल चलाना सीखा ही नहीं, उन्होंने साइकिल का
अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। इस प्रकार महिलाओं ने अपने दिन भर के काम के लिए साइकिल का इस्तेमाल कर दिया था, जैसे कि खेतों में मजदूर करने वाले जो मजदूरी थी, फिर नर्स, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी में जो काम करने वाली महिलाएं थी, स्कूल के अध्यापिका थी, सारे औरतों ने साइकिल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाले औरतें भी पीछे नहीं। देखो यहाँ तक हर क्षेत्र में यहाँ पर लेखक वर्णन कर रहे कि प्रत्येक क्षेत्र की महिलाएं इस कार्य में आगे बढ़ रही थी। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुए, और देखो जो अभी अभी पढ़ी लिखी हुई जो 20 वर्ष की लगभग की जो युवतियां हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा सहभाग लेना शुरू किया था। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। अब देखिए, जब लेखक कहते हैं कि उन महिलाओं के साथ हर क्षेत्र की जो महिलाएं इस आंदोलन में सहभाग ले रही थी, उन सारे महिलाओं से जब मैंने संवाद किया तो सब महिलाओं के बीच में हमें सिर्फ आजादी, स्वतंत्रता यही हमें दिखाई दिया कि स्त्रियां अब आजादी चाहना चाहते, अपने रीति रिवाजों से, अपने परंपराओं से वह आजाद होना चाहती थी, मुक्त होना चाहती थी, और यह साइकिल यह माध्यम हुआ था उनकी उस स्वतंत्रता का। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, अर्थात एक जो आंदोलन में जो अलग अलग लीडर रहते थे, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो महिलाएं आगे बढ़ रही थी, उनका कहना था मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई। अब देखो, स्त्रियां आजाद हो गई थी, स्वतंत्रता के बारे में सोच रही थी, फिर उनकी आत्मनिर्भरता कि दूसरों पर निर्भर नहीं रहना तथा अपनी काबिलियत पर वह आत्मविश्वास विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है, कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते। तो देखो, हर काम के लिए, छोटे बड़े काम के लिए उनको पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब जैसे ही महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया, उन्होंने छोटे छोटे काम अपने आप करना आरंभ कर दिया। तो यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिया कि यहाँ से नजदीक 4 किलोमीटर जाकर अगर पानी लाना होता था, अब देखो आज हम देखते हैं हमारे घर में नल होते हैं, इसलिए हमें पानी लाना क्या होता है, यह तकलीफ, यह समस्या हमें पता नहीं है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे गांव है, ऐसे शहरों में, बड़े बड़े शहर तो दिखते हैं लेकिन उसमें भी ऐसी समस्या है कि पानी की समस्या बहुत बड़ी मानी जाती है, कि घर के औरतों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसके लिए उनको मेहनत तो लगती है लेकिन उसमें उनका समय भी जाता है, इसलिए वह अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ठीक से संभाल नहीं पाती है। अगर उनको पानी लाने के लिए कहीं घर से बाहर जाना होता है, तो अगर घर में कोई दूसरा सदस्य नहीं, तो उनको बच्चों को संभालना यह बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इस प्रकार ऐसे जो छोटे मोटी समस्या थी उसका निवारण साइकिल चलाने से हो गया था। लेखक कहते कि अगर औरतों को पानी लाना होता है तो वो क्या करती थी, नजदीक से कम, अब देखो नजदीक यहाँ पर लेखक ने कितना कि कहा है, 4 किलोमीटर, अब हमारे लिए यह नजदीक है, हमारे लिए तो घर में पानी होता है, लेकिन 4 किलोमीटर बहुत दूर हुआ ना। तो उस समय औरतें क्या करती थी, साइकिल लेती थी, अपने बच्चों को साइकिल पर बिठाती थी, और चाहे 4 किलोमीटर पानी, 4 किलोमीटर से पानी लाना हो या कितनी ही दूरी से पानी लाना हो, वो तुरंत पानी लेने के लिए निकल पड़ती थी। अब उनको पुरुषों पर निर्भर नहीं होना पड़ता था, इस प्रकार वह आत्मनिर्भर हो गई थी। यहां तक कि साइकिल के दूसरे स्थानों से सामान ढाने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती थी। अब देखो, साइकिल के फायदे हमें लेखक बता रहे हैं कि दूसरे स्थानों से, अब देखो जो बिछड़े हुए गांव होते हैं उनमें
अगर कोई सामान चाहिए घर का हो या कोई भी सामान लाना हो तो उनको दूसरे गांव से लाना होता है या फिर नजदीक नहीं होते उनको सामान लाने के जो स्थान होते, तो ऐसे समय पर क्या होता था, साइकिल पर साइकिल का बहुत उपयोग होता था कि वो तो सामान हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी और समय भी बच जाता था। अगर घर में सामान खत्म हो गया है तो औरत किसी का इंतजार करेगी नहीं, वो क्या करेंगी, तुरंत साइकिल निकालेगी और जो सामान चाहिए वो तुरंत जाकर वहां से ले आएगी। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया जिसे इन्हें झेलना पड़ा। अब देखिए, इसके पहले परिच्छेदों में भी हमने पढ़ा कि जब कोई सामाजिक परिवर्तन आता है तो पुरुष प्रधान संस्कृति हमेशा क्या करती है, इसका विरोध करती है। और जब इस जिले के गरीब जिले के जो औरतें साइकिल चलाना शुरू कर दिया तो लोग क्या करते थे, उनको हंसती थे, उन पर ताना मारते थे, व्यंग करते थे कि देखो कैसे औरत है साइकिल चला रही है। फिर भी वो क्या करते थे, इन सारे व्यंगों को ताने को झेल लेती थी। उन्होंने अपना कार्य बंद नहीं किया, लोगों के डर के मारे वह साइकिल चलाना छोड़ नहीं दिया। लेकिन उनको पता था कि इससे हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है, हम खुद का काम स्वयं कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने सारे लोगों के प्रहार, तीखे व्यंग झेले, गंदी गंदी टिप्पणियां की कही की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिले। अब देखिए, जब कभी सोशल चेंज होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, धीरे धीरे उसमें फिर सारे लोगों को वह मान्य करना पड़ता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी होती है। और जब वह मान्य करते हैं तो इस प्रकार के जो प्रहार होते हैं, व्यंग होते हैं, वह धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। इस प्रकार फिर जब लोगों ने फिर उसको स्वीकृति दे दी तो धीरे धीरे सारे गांव के महिलाओं ने साइकिल चलाना आरंभ कर दिया। अब देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। रूढ़िवादी, परंपरागत बातों को मानने वाला, पृष्ठभूमि, भूमिका, फप्ती कसना, व्यंग्यपूर्ण बात कहना, अगुवा, आगे चलने वाला, आत्मविश्वास, अपनी शक्ति एवं योग्यता पर विश्वास। तो बच्चों, अब तक हमने स्त्रियां किस प्रकार आत्मनिर्भर हुई साइकिल को साधन मानकर, इसका वर्णन पढ़ा। आगे साइकिल के द्वारा किस प्रकार महिला सशक्तिकरण के बारे में लेखक वर्णन कर रहे हैं यह पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।